Hello students, welcome back to the video series of programming in Python. In last video, we had seen about arithmetic operators, that is how it works, and we had also seen the few examples of arithmetic operators in Python. Fine. So, in this video, I am going to cover that is the next operators in Python. That is relational operator. Okay, relational operator. Fine. So we'll be seeing the relational operator in Python. Now the question arises here: what is relational operator? Okay, in Python, relational operators are those operators which are used to compare the value of two operands of a mathematical expression or a logical expression. ठीक है, तो logical और mathematical expression के value को compare करने के लिए relational operator use होता है. Fine. So since it compares the values of its operands, it is also known as comparison operator. Relational operator का दूसरा नाम क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर. ठीक है, तो हम लोग कौन कौन से हैं इसमें, हम लोग एक वन बाय वन करके देखेंगे. तो नेम क्या है इसका? फाइन. सो पहला है लेस देन, सेकंड वन इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट वन इज नॉट इक्वल टू. फाइन. Next, less than, equal to, next one is greater than, equal to. Okay, so हमारे पैटर्न में these are the relational operators. Fine. इनको हम लोग पैथन में सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू. फाइन. और ग्रेटर देन, इक्वल टू. ठीक है, सो हम लोग इन सिंबल्स के साथ पैथन में इन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं. फाइन. ठीक है, सो here also we will be required of operand. ठीक है, यहाँ पे हम लोग operand use करके क्या करेंगे, हम लोग इन सब के concept को समझेंगे. और यहाँ पे हम लोग पिछले example की तरह operand A और B, ये दो operand हम लोग इस name से, दो name से जो कि operand हम लोग यहाँ पर use. So हम लोग one by one सारे जितने भी हमारे relational operator हैं उनको with example देखेंगे. Fine. तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ए का वैल्यू 10 ले लेता हूं. ठीक है, और बी का वैल्यू 5 ले लेता हूं. ठीक है, सो पहला यहां पर हम लोग देखते हैं लेस देन. ठीक है, सपोज अगर मैं यहां पर टाइप करता हूं कि 10 लेस देन 5, तो कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर जो कि क्या करेगा, ऑपरेंड ए, ये हमारा ऑपरेंड ए है और ये हमारा ऑपरेंड बी है, यानी ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5 है. ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पर एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने लिखा है इसको कंपेयर करेगा और कंपेयर करके देखेगा कि यहाँ पर जो लेस देन में कि क्या 10 लेस देन 5 है, यस और नो. सो 10 इज नॉट लेस देन 5, नहीं है लेस, इसलिए यहां पर ये क्या हमें प्रिंट करेगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स. ठीक है, अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर ये होता कि 5 इज लेस देन 10, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 लेस देन 10, यस 5 इज लेस देन 10, सो यहां पे हमें क्या आउटपुट मिलता, ट्रू. फाइन. सो बेसिकली यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि
कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या हो रहा है, जो भी ऑपरेंड है दोनों के वैल्यू कंपेयर करके रिजल्ट जो है क्या आ रहा है, फॉल्स और ट्रू, ये दो वैल्यू हमें मिल रहे हैं इसके रिजल्ट्स। फाइन, सो नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन, सिमिलर टू दिस। सपोज इफ यू सी हियर 10 ग्रेटर देन 5, तो यहां पर क्या आएगा एक्सप्रेशन कंपेयर होने के बाद कि क्या 10 जो है 10 5 से बड़ा है। हां, इन दिस केस यू विल गेट ट्रू एज अ आउटपुट व्हेन यू विल हिट द एंटर की, ओके, इन द पैटर्न सेल। नाउ सेकंड एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि क्या 5 10 से बड़ा है, इज 5 ग्रेटर देन 10, नो ये बड़ा नहीं है, तो हमें आंसर यहां पर क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू, यानी क्या यहां पर चेक होगा, 10 इज नॉट इक्वल टू 5, यहां पर चेक होगा क्या 10 5 के बराबर नहीं है, करेक्ट, यहां 10 इज नॉट इक्वल टू 5, ओके। मैथमेटिकल हम इसको कैसे करते हैं, 10 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहां पर वही हो रहा है कि 10 इज नॉट इक्वल टू 5 सही है, 5 10 जो है 5 के बराबर नहीं है, इसलिए यहां पर हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ट्रू। फाइन, सेम अगर यहां पर हम लोग करते हैं कि 5 इज नॉट इक्वल टू 5, तो क्या बोल रहा है एक्सप्रेशन के अनुसार, 5 जो है 5 के बराबर नहीं है, 5 5 जो है नॉट इक्विवेलेंट टू 5, यानी व्हाट इज दिस, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो विल गेट फॉल्स एज अ आउटपुट ओवर हियर। नाउ लेस देन इक्वल टू, फाइन, सो अगर हम लोग यहां पर लेस देन इक्वल टू में अगर हम चेक करते हैं तो क्या होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 10, यहां पर चेक होगा कि क्या 5 लेस है या इक्वल टू है 10 के बराबर, यानी यहां पर दो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स है, वन है एक लेस देन ऑपरेटर है और एक इक्वल टू है। फाइन, तो यहां पर इन दोनों कॉम्बिनेशंस ऑपरेटर जो भी यूज में है, अगर दोनों में से एक भी जो कि रिजल्ट ट्रू होता है, आइदर ऑपरेट लेफ्ट साइड ऑपरेंड इज लेस देन द राइट साइड ऑपरेंड और इक्विवेलेंट टू द राइट साइड ऑपरेंड, इन दैट केस इट विल गिव एज अ ट्रू, तो यहां पर आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 10 है, सो इट विल गिव आउटपुट एज अ ट्रू। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं सिमिलरली, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं, क्या 10 इक्वल टू 5 है, नो, यानी दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन यहां पर ट्रू नहीं हो रहा है, सो वी विल गेट द आउटपुट एज अ फॉल्स। फाइन, नेक्स्ट अगर यहां पर हम फिर एक एग्जांपल देखते हैं, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहां पर हम चेक करते हैं फर्स्ट क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं, क्या 5 इक्वल टू 5 है, हाँ, ट्रू, सो हमें क्या आउटपुट यहां पर मिलेगा, दैट इज ट्रू, ओके, तो इस एक्सप्रेशन का फाइनल कैलकुलेशन जो है कि हमारा रिजल्ट आउटपुट ट्रू आया। फाइन, नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमने अभी यहां पर क्या देखा कि लेफ्ट ऑपरेंड जो है कि लेस देन और इक्वल टू हो रहा है कि नहीं, सिमिलरली यहां पर अब जो है कि हम देखेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है या नहीं। फाइन, तो सिमिलरली इसी वैल्यू को हम लोग लेके देखते हैं क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या 5 जो है कि हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, क्या हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है, क्या 5 ग्रेटर देन 10 है, नहीं, क्या 5 इज इक्विवेलेंट टू 10, नो, सो व्हाट यू विल गेट हियर, फॉल्स। फाइन, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 10 is greater than equal to 5, fine, तो क्या चेक कर रहे हैं कि क्या 10 5 से greater than है, true, हाँ,
क्या n 5 के इक्विवेलेंट है? नो, यानी यहां पर क्या होगा, हमारा एटलीस्ट वन एक्सप्रेशन जो है कि ट्रू है, एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है. सो व्हाट विल गेट हियर, आंसर इज ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो क्या 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10? तो क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है? नो. क्या 10 इक्वल टू 10 है? यस. सो हियर वी विल गेट ट्रू एज अ आउटपुट. फाइन, तो ये हम लोगों का जो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का वर्किंग फंक्शनैलिटी है इन पाइथन. फाइन, सो दिस ऑल आर द ऑपरेटर्स विच कम्स अंडर रिलेशनल ऑपरेटर और कंपेरिजन ऑपरेटर इन पाइथन. सो आई होप आप लोगों को कंप्लीट आइडिया यहाँ पर हो गया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, ठीक है, एंड उसके फंक्शनैलिटीज क्या है, उसका वर्किंग क्या है. फाइन, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.